Hello, good morning all of you. Next beautiful chapter is probability. After PNC, permutation and combination, the probability is the next chapter. बहुत प्यारा है और नाम खुद ही चीख चीख के कुछ अपने बारे में कह ही देता है. नाम नहीं है कह रहा कुछ. प्रोबेबिलिटी, संभावना किसी चीज के होने की, किसी भी चीज के होने की, कुछ भी. जैसे व्हाट इज द चांस, व्हाट आर द चांसेस दैट इट विल रेन टुडे. सो वी आर ट्राइंग टू आस्क कि कितनी परसेंटेज चांस. प्रोबेबिलिटी वर्क्स एट परसेंटेज वाला. प्रोबेबिलिटी की स्केल अलग है. प्रोबेबिलिटी की स्केल 1 है, परसेंटेज की स्केल 100 होती है. प्रोबेबिलिटी की स्केल सिर्फ 1 है, प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 पे काम करता है. जैसे कॉइन टॉसिंग, इतना तो अपन 10th में पढ़ चुके हैं. इफ यू टॉस अ कॉइन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी हाफ ऑफ गेटिंग हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज ऑल्सो हाफ. हेड या टेल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ. कुछ चुनिंदा चीजों के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ लेंगे फर्स्ट लेक्चर में, एंड देन वील मूव टू क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, विथ सम टर्मिनोलॉजीज एंड ऑल दैट थिंग. उससे पहले, टर्मिनोलॉजी में एंटर करने से पहले, कुछ चीजें जो आप लोग प्रोबेबिलिटी की ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर सुनेंगे या पढ़ेंगे वो क्या है. जैसे कॉइन या फिर डाई, इनके आगे हमेशा एक फेयर शब्द का इस्तेमाल रहेगा कि फेयर और अनफेयर क्या है. फेयर मतलब उसको क्या साफ करके कपड़े से करके, नहीं 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 कपड़े घिस के साफ नहीं किया गेल से पे. फेयर का मतलब ये है कि वो चांसेस जो हैं, चांसेस ऑफ गेटिंग टेल एंड चांसेस ऑफ गेटिंग हेड आर इक्वली लाइकली टू हैपन. मतलब उनके जो चांसेस हैं वो 50-50 हैं. दैट इज व्हाट हाफ मीन्स. ठीक है, बट कई बार इस हाफ का मतलब लोग गलत सोचते हैं. इस हाफ आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि दो बार कॉइन को टॉस किया जाएगा तो एक बार हेड और एक बार टेल आएगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट प्रोबेबिलिटी. इफ गेटिंग वन व्हेन आई थ्रो अ डाई द प्रोबेबिलिटी इज 1/6. दिस डज नॉट इम्प्लाई कि अगर उस डाई को 6 बार थ्रो किया जाए तो हमें एक बार 1 मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 6 बार डाई थ्रो करने पर 6 की 6 बार 6 आ जाए. बिल्कुल पॉसिबल है भाई. ठीक है, अगर डाई मेरी फेयर है तो प्रोबेबिलिटी 1/6. कॉइन मेरा फेयर है, प्रोबेबिलिटी 1/2. कार्ड्स के केस में आपको सुनने को मिलेगा फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. इस वेल शफल्ड का लॉजिक सिर्फ वही है जो आप लोग केमिस्ट्री में स्टेयर करके करते हो. वो केमिस्ट्री में घोल को घुमा रहे हैं. क्यों घुमा रहे हैं? यूनिफॉर्म करने के लिए बस, कि जो भी सॉल्ट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे. ऐसा क्वेश्चन अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में किया था, मेरी शक्लें मत गुरा करो. डिफरेंशियल इक्वेशन करके एक चैप्टर नाम भी नहीं सुना, नहीं करा अपन ने थियोरेटिकल प्रॉब्लम. तो ये जो वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड, वेल शफल्ड, उसको वेल शफल करने का लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हर पत्ते के निकलने की जो चांसेस हैं वो सेम रहे. क्योंकि जब चांसेस सेम रहेगी तभी मैं क्वेश्चन को खुद के माइंड का यूज करके कर सकता हूँ, अदरवाइज उसे मुझे डाटा ज्यादा देना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कॉइन इज बायस्ड या अनफेयर. अभी मैं सिर्फ उतनी बातें कर रहा हूँ जितनी बातें आपने 10th तक सुनी है. फेयर कॉइन में हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है. ये अगर आप नहीं पढ़ के आए तो मास्टर की गलती नहीं है, ये 10वीं वाले मास्टर नहीं है, मास्टर की गलती जो भी रहा होगा. 10th कौन था? थी था नहीं यार, सीरियसली, ओह माय गॉड, हाउ मेनी थास वर देयर? रॉन्ग. इतना अनएम्प्लॉयमेंट है क्या मार्केट में? था मीन्स था ओनली इम्प्लाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अदरवाइज दिस हैज टू बी थी. ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है भाई. ओह माय गॉड, इन जो भी थाने में हाथ खड़े किए उनमें से कितने लोगों ने स्कूल में था फील किया है? मतलब वो स्कूल में थे और उनके मास्टर था. यार तुम चंपू हो यार, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा अभी तक सभी. नहीं नहीं जरूरी है, कोचिंग में भी तो 10th करी हो सकती है ना, तो कहीं कोचिंग वाले था की बात तो नहीं कर रहे. स्कूल वाला था इज वेरी सीरियसली वेरी मतलब सरप्राइजिंग. इतने सारे था थे तो सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ. ऐसा कैसे हो सकता है नहीं होते था? ये तो मैं मान ही नहीं सकता ना भाई.
क्योंकि तो पॉसिबल ही नहीं है. प्राइवेट स्कूल टीचर गेट्स मैक्सिमम 8,000 to 10,000 रुपीज पर मंथ सैलरी. मैं सालाना मिलने वाले पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मंथली बोल रहा था. तुमने गलत तुम लोग गलत समझ रहे हो यार. मेरी प्राइवेट स्कूल यूज टू पे 800 रुपीज पर मंथ टू द स्कूल टीचर, और मैक्सिमम जो टीचर को मिल रहा था मेरे स्कूल में दैट वाज 1200 रुपीज. ये बात तकरीबन दे दो भाई, ये बात तकरीबन 15-20 साल पुरानी होगी. तो आप इस अमाउंट को 10 गुना कर लो. आप 10 गुना ज्यादा से 10 गुना ज्यादा नहीं कर सकते ना. है ये हो सकता है बिकॉज आई हैड ओनली 7 स्टूडेंट्स इन माई क्लास. जिसमें मेरी फर्स्ट रैंक आती. और माँ बाप इतने खुश थे भाई. माँ बाप तो क्या मतलब, पिताजी को तो सब पता था. माँ बहुत खुश थी क्योंकि उससे पहले फोर्थ क्लास तक आई यूज टू गेट 30-35 रैंक इन माई क्लास आउट ऑफ 35 स्टूडेंट्स. तो 30 या 35 रैंक आती थी. और जैसे ही इस स्कूल में आए प्राइवेट स्कूल में, तो माँ तो एकदम खुश, सही सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं ये स्कूल वाले. सीधे 30-35 रैंक से फर्स्ट रैंक आ गए डायरेक्ट. उनको क्या पता बेचारे, साथ ही लोग नहीं नहीं साथ ही तो ये ढक्कन थोड़ी सी थी. ऐसे तो पढ़ने वाले ही थे, ढक्कन वो भी नहीं थे, साथ ही पढ़ने वाले थे. बहुत क्लोज कॉम्पिटिशन रहता था भाई साहब. हाँ और क्या, सातवीं भी आती तब भी अच्छी थी हमारे तो. हम तो कभी रैंक आने सोचते ही नहीं थे. हम क्या तो खेलने कूदने से फुर्सत नहीं मिलती. क्या बात चल रही थी, सिक्के को उछाल रहे थे हम. कहाँ पहुंच गए पता नहीं. हाँ कि पढ़ा रखा है ना, ये था ना बॉटम लाइन. इतना तो पढ़ के आए सब कि एक कॉइन को छालने पे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ. ये है अनबायस्ड कॉइन या फेयर कॉइन की बात. अगर उसने मुझे बायस्ड कॉइन या अनफेयर कॉइन दिया. बायस्ड कॉइन होता है जिसमें किसी भी एक की अकरेंस की पॉसिबिलिटी दूसरे के अकरेंस से ज्यादा या कम, एक ही बात है वो किसके परस्पेक्टिव से देख रहे हो, ज्यादा हो सकती है. जैसे एक बायस्ड कॉइन है उसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो उसे देना पड़ेगा कितनी है. सपोज उसने दे दिया हेड आने की प्रोबेबिलिटी 70% है, या तो परसेंटेज में दे दिया या फिर 0.7 दे दिया. प्रोबेबिलिटी केस में वो वैसे 0.7 ही देगा क्योंकि वो 1 की स्केल पे काम करती है. आप क्या आपको मेरी 1 की स्केल और 100 का मतलब समझ में आ रहा है. जब हम लोग 100 की स्केल पे काम करते हैं हम लोग परसेंट की बात कर रहे होते हैं, जब हम 1 की स्केल पे तो हम प्रोबेबिलिटी की बात करें. तो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी उसने 0.7 दे रखी है तो टेल आने की बाय डिफॉल्ट 0.3 होगी. ठीक है, क्योंकि इस तरह का कभी हम लोग नहीं मानते कि ऐसे सिक्का खड़ा हो गया, ऐसे कोई शोले थोड़ी चल रही है. मतलब खड़ा, अरे शोले में तो डबली हेडेड था, सॉरी शोले नहीं देखी है. रजनीकांत की मूवी में खड़ा हो जाता है सिक्का, है ना. तो वो मूवीज में होता है. मतलब ऐसे नॉर्मली तो ये माना जाता है कि सिक्का गिरेगा किसी ना किसी फेस पे, चाहे हेड पे गिरे चाहे टेल पे गिरे. तो 0.7 अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी बाय डिफॉल्ट कितनी हो गई, 0.3. तो मेरा जो मेन पर्पस था वो सिर्फ इतना सा था कि मुझे जब भी कोई भी काम उस क्वेश्चन के अंदर किया जा रहा होगा, ये जो काम जिस हम लोग काम की बात कर रहे हैं, टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ फेयर डाई, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, या ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम एन अर्न, जो भी ये जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट विच इज गोइंग टू परफॉर्म इन माई क्वेश्चन. मेरे क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ तो होने वाला है. वो जो होने वाला काम है ना उसे बोला जाता है एक्सपेरिमेंट. वेन एवर आई परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट देर मस्ट बी सम सेट ऑफ आउटकम्स, कुछ तो होंगे. वेन आई टॉस अ कॉइन देर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, गेटिंग हेड और गेटिंग टेल, ठीक है. वेन आई थ्रो अ डाई देर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स, गेटिंग 1, गेटिंग 2, गेटिंग 3, गेटिंग 4, गेटिंग 5, गेटिंग 6.
सही है, अरे सही है। वेन आई ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, देर आर 52 पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम एस ऑफ स्पेड टू सपोज किंग ऑफ डायमंड। ये क्या था, नहीं समझे? काला लाल चिड़ी ईंट सीक्वेंस। नॉर्मली जब भी अपन गेम डिजाइन करते हैं तो इस तरीके से रखते हैं, काला इज कंसिडर टू बी सुपर सुपीरियरिटी, मतलब पता नहीं जो भी सुपीरियर कार्ड, काला पान हुकुम को सबसे ऊपर माना जाता है, इसलिए आप अगर कभी उल्टा करके देखोगे ताज को सुंदर वाली साइड से तो आपको हुकुम को एक थोड़ा ज़्यादा ही सजा संवरा दिखेगा, बाकी बहुत गरीब से होते हैं बाकी पे एक चिन्ह बना होता है बीच में, बाकी हुकुम पे कुछ ज़्यादा ही कारीगरी करी होती है ऐसी, पता नहीं जो भी है माना जाता है। खैर तो ये तो हुए एक्सपेरिमेंट, अब हम टर्मिनोलॉजीज पे आ रहे हैं। जब भी मैं प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन देखूंगा तो कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी, तो वो टर्मिनोलॉजीज किस किस तरह की है थोड़ी बहुत तो मैंने आपको बता दी, जो क्वेश्चन के अंदर शुरू में लिखी होगी वो सिर्फ इसलिए लिखी होती है कि वो सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी जो भी जितनी भी हो सकती है उन सबको बराबर का हक देती है, बराबर का राइट देती है, कोई भी प्रायोरिटी नहीं है किसी भी काम को किए जाने की, हेड आने की कोई प्रायोरिटी नहीं, भाई सब टेल भी आ सकता है, ठीक है। और दूसरी हम लोग एक बात और कर रहे थे जिसे हम लोग स्किप करके वो स्कूल में चले गए थे, हाफ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड का मतलब कतई ये नहीं है कि दो बार सिक्का उछाला जाएगा तो एक बार हेड और एक बार टेल आएगा, क्योंकि अगर ऐसा होने वाला होता तो मतलब फिर तो भाई साहब जिसे 2-4-5-10 ग्राम प्रोबेबिलिटी आती है वो तो मल्टी सल्टी बिलियनियर होता, मतलब इसका मेजर टाइम यूज जो है वो बैटिंग में किया जाता है, बैटिंग बैटिंग सट्टा जुआ, मेजर टाइम प्रोबेबिलिटी का यूज जो है वो बैटिंग में ही किया जाता है एक्चुअली। तो अगर सिक्के को उछालने पे दो बार उछालने पे एक बार हेड और एक बार टेल अगर आने वाला है फिर तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा। आप बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे कहीं पे अगर सिक्का उछाला जा रहा है और बैटिंग हो रही है तो अपन तो वहाँ से खड़े हो जाएंगे, पैसे थोड़ी लगाएंगे, चूँ थोड़ी है, पहली बार थोड़ी लगाएंगे दूसरी बार लगाएंगे, भाई बात को समझो ना, गहराई को समझो उसकी डीपनेस। पहली बार अगर हेड आके देख लिया हमने अब तो भाई सब जितना हमने कमाया है सब लगा तो डबल तो होना ही है, डन है भाई 100% टेल आएगा, नहीं समझ में आ रहा किसी को। तो बात यह है, तो ऐसा नहीं है कि दो बार उछालने पे एक बार हेड और एक बार टेल आने वाला है, 10 बार उछालने पे 5 बार हेड 5 बार टेल आने वाला है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 100 बार उछालेंगे तो हो सकता है कि हम हाफ के नजदीक पहुंच जाएं, 40-60, बहुत किस्मत अच्छी हो तो 49-51 बहुत अच्छी किस्मत है, 49 टाइम्स हेड या 51 टाइम्स टेल आगे बहुत बढ़िया किस्मत है, 40-60 की पॉसिबिलिटी, 30-70 मतलब हाफ के हम क्लोज जा सकते हैं, कोई तो जाके 10 करोड़ 20 करोड़ टाइम अगर अपन सिक्के को उछालेंगे यही काम कर लेने लग जाए अगर अपन 2-3 साल तक, तो ऐसा ट्रेंड देख सकते हैं कि 50% ऑफ द टाइम हमें हेड मिला 50% ऑफ द टाइम हमें टेल मिला, इट्स अ ट्रेंड, प्रोबेबिलिटी इज अ ट्रेंड, कितनी पॉसिबिलिटी है ऐसा देखा जाता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अगर इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी 7/10 है, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी 7/10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि हर 10 मैच में 7 मैच इंडिया जीत जाती है और 3 मैच पाकिस्तान जीत जाता है, ठीक है, ड्रॉ वाले केस को उसमें कंसिडर नहीं किया जाता, विन और लूज वाली सिचुएशन को ही कंसिडर किया जाता है जब जुआ खेला जाता है, तो ड्रॉ तो ठीक है फिर तो निपट ली फिर सभी सभी गायब है, ठीक है, तो उसमें विन लूज वाली सिचुएशन ही ली जाती है, ठीक है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी का सिग्निफिकेंस है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि 6 बार अगर हम लोग एक डाई थ्रो करेंगे तो 1 बार 1 आएगा ही आएगा। अब एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या चीज है भाई साहब, लिखिए, एन एक्शन और ऑपरेशन, एन एक्शन और ऑपरेशन रिजल्टिंग इन थ्यू और मोर पॉसिबल आउटकम्स, रिजल्टिंग इन थ्यू और मोर पॉसिबल आउटकम्स। देखो भाई साहब कम से कम 2 आउटकम तो होने ही चाहिए,
क्योंकि जब कम से कम दो आउटकम होंगे तभी तो हमारे पास क्वेश्चंस बनाने की फिजिबिलिटी रहेगी कि यार इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर आउटकम ही एक हुआ तो फिर तो ककोड़ा निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। सॉरी हो गया भाई साहब, काहे बात की प्रोबेबिलिटी, बाहर बारिश हो रही है, गेल सिप्पे ने पूछ लिया अंदर आके, बेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विल रेन टुडे। क्या है भाई, इट्स अ श्योर इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज वन ऑलवेज। ठीक है, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके दो या दो से ज्यादा आउटकम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे थ्रोइंग अ फेयर डाई। मैं जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करता हूं, जब भी व्हेन एवर आई डू सम एक्सपेरिमेंट, देयर विल बी सम काइंड ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। पुनियम लोग अटैची लेके बैठ जाते थे हर बार, एक अटैची ले ली, उस अटैची में सारे आउटकम भर दिए, दैट अटैची इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। उस सैंपल स्पेस का अगर मुझे कोई सेट लिखना है इस वाले का, 1 2 3 4 5 6, ये तो आपकी एक्सरसाइज 10.1 होने वाली थोड़ी देर के अंदर, एनसीईआरटी कुछ ही देर में। बस अभी एक दो एग्जाम्पल और कर लेंगे, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, सैंपल स्पेस ही लिखवाया गया उसके अंदर। ठीक है, सो इट्स अ सैंपल स्पेस फॉर थ्रोइंग अ डाई, है ना। #2, सपोज वी टॉस अ कॉइन ट्वाइस, बहुत बबुआ टाइप चीज है भाई, बहुत भीषण। दो बार मैं इसलिए उछला रहा हूँ कि अपन जल्दी से लिख लेंगे, तीन बार में फिर थोड़ा टाइम लगेगा ना। इफ वी टॉस अ कॉइन ट्वाइस, टॉस अ फेयर कॉइन, अपन शुरू के क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए मैं पूरी पूरी लैंग्वेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। टॉस अ फेयर कॉइन ट्वाइस, देन माई सैंपल स्पेस विल कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी, 4। हेड हेड हेड, टेल टेल हेड और टेल टेल, ये मेरे ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। हैंस एन एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट रिजल्टिंग एन पॉसिबल आउटकम्स, रिजल्टिंग एन पॉसिबल आउटकम्स आर कॉल्ड द सैंपल स्पेस, द सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस को हम लोग अक्सर एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेक्टेंगल, ये मेरा वो सूटकेस जिसके अंदर अगर मैं एक डाई को थ्रो करता हूं तो मेरे पास 6 नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर हम लोग इसमें क्या है कि छोटी छोटी गठड़ियां बनाना चालू करते हैं, ऐसे ए ए एक ऐसा सेट है जिसका मीनिंग है गेटिंग वन। सपोज बी एक और गठड़ी है, गेटिंग इवन नंबर और प्राइम नंबर फॉर दैट मैटर। तो बेसिकली सेट बी हैज हाउ मेनी नंबर्स, कितने, 3। कौन कौन से, 2 4 6। अरे इवन नंबर 2 4 6 है ना भाई, तो इस गठड़ी में 6 लोग हैं, 3 लोग हैं, पूरे सैंपल स्पेस में 6 थे। ठीक है, इसके अंदर एक ही है सिर्फ, गेटिंग वन। नहीं आ रहा समझ में, ये जो छोटे छोटे से जिन्हें आप लोग सबसेट के नाम से जानते हैं, ये सभी सैंपल स्पेस के क्या है, सबसेट। इन्हें बोलते हैं इवेंट्स। मैंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इवेंट्स क्रिएट करे, इवन नंबर का आना, ठीक है, प्राइम नंबर का आना, 4 से छोटे नंबर आना, ये सब इवेंट है। मैं सैंपल स्पेस में बहुत सारे इवेंट्स क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, जिनकी मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। डेफिनेशन सबको याद है, इतना सबने पढ़ के आए हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। मेरी शक्ल घूरने से कुछ नहीं होगा, इतना 10वीं में सबको रटाया जाता है,
प्रोबेबिलिटी इज अ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. ठीक है, तो अपन भी लिखेंगे, ऐसी बात नहीं है. बट उससे पहले अपन लोग क्या है कि उसकी टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं. ये जो छोटे छोटे से सबसेट है ये क्या कहला रहे हैं? इवेंट. इवेंट्स इज ऑलवेज इवेंट. इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस.